दोस्तों हम लोग अभी निकले हैं रूम से और यहाँ थोड़ी बारिश हो रही है अभी, ठंड भी काफी लग रही है, काफी लग रही है। अभी यहाँ रेनकोट ले रहे हैं हम लोग, बाकी फिर ट्रैकिंग के लिए हम निकले। इधर देखिए काफी बारिश का माहौल है और धीरे धीरे बारिश पड़ रही है। चलते हैं, आगे बजे अभी 5:30, आइए चलते हैं। तो हम सभी ने रेनकोट पहन लिए हैं क्योंकि बारिश पड़ रही है अच्छी खासी यहाँ पे। अभी सभी लोग रेनकोट पहन रहे हैं, बस हमारी गोरी दीदी रह गई है। गोरी दीदी को पहनाएंगे अब, वो मना कर रही है, कह रही नहीं मैं ऐसे ही जाऊंगी। दोस्तों यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए आप कितना प्यारा नदी बह रही है, बारिश हो रही है और बारिश हो रही है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है हमें, बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में भी। गोरी दीदी हाय हाय, क्या चाहिए खड़े इधर को आओ। मम्मी कहाँ है? बहुत ठंड लग रही है यार। माता जी चल रहे, बहुत ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। गोरी दीदी अभी से ही अभी साइड हो, हाँ ऊपर देखिए फोग। दोस्तों अभी हम लोग हैं फ्लाईओवर पे और हम लोग जा रहे हैं टैक्सी के लिए। टैक्सी शायद से मिलती है लेकिन यहाँ काफ़ी वेटिंग लाइन है और अगर टैक्सी नहीं मिलेगी तो यहाँ से हमें 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा और घोड़े गधे यहाँ से नहीं मिलेंगे। सब गोरी दीदी को ठंड लग रही है, कांप रही है गोरी दीदी, ये तो गीला ही है। चलो बात करो इनसे। लोग पहुंच चुके हैं गोरीकुंड, बस यहाँ से ऊपर ही वहाँ जाना है उधर साइड। बाकी बारिश होने का नाम नहीं ले रही है, बारिश लगातार पड़ रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं कब रुकेगी। ऐसे में तो ट्रैकिंग करना और भी टफ हो जाएगा। ये चल रही है माता जी, आ जाओ आगे। कैसा फील हो रहा है मम्मी तुम्हें? बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी बारिश में, अभी से ही अभी तो ट्रैक करना बाकी है। सही है, अच्छी बात है। देखो बाकी सब लोग, गोरी दीदी भी, गोरी दीदी इधर आ, इधर थक गया अभी से ही, इधर इधर आ, इधर आ। पहाड़ पे भी चलेंगे, इधर तो बारिश बहुत है। तो दोस्तों अभी हम लोग 3 किलोमीटर चल चुके हैं और सारे भाई आ रहे, बाकी मम्मी मासी वगैरह सब आ गए हैं। इधर वाटरफॉल छोटा सा अभी दिखाते हैं, देखो अभी अभी यहाँ से ये नीचे तक आ रहा है और ये आ रहे हैं विशु भाई। गर्मी लाइटिंग टूटी है, ये है हमारे राजा भाई। ये देखिए सभी लोग चढ़ रहे हैं, ये देखिए ये जिंदे ही 4 कंधों बजा रहे हैं, शर्म ना आ रही है। ये चीज सही नहीं है, तो क्यों आ रहे हो फिर यहाँ? सही बात है भाई, घर बैठो ना आराम से, अपने 4 कंधों बजा रहे हो जिंदे तुम। एज ज्यादा है उनके लिए तो ये ठीक है, बाकी जवान लोग तो यार पैदल चल के जा सकते हैं। दोस्तों हालत खराब होती हुई, अभी तो ट्रैक बहुत बाकी है, खड़े सब बिल्कुल इनके भी वाकई में सच में बहुत ज्यादा, जैसा तबीयत खराब रहती है उस हिसाब से ना। मुझे फिर भी, अरे भैया आराम से यार, भाई चलो चलो आगे चलो जल्दी। और ये भाई सबको बिस्किट नमकीन वगैरह खिलवाते हुए चल रहे हैं, चलो ऐसे ही मजा आएगा। अभी तो काफी टाइम लगेगा, रा
चलो मासी ऐसी चलो। हाँ ये गंदगी बहुत है। गुड बेटा गुड। वो भी घोड़ों की वजह से। घोड़े जो है ना उनकी यहाँ देख सकते हो आप कितनी गंदगी है यहाँ पे ट्रैक पर। ऊपर से बारिश पड़ गया, अभी भी हल्की हल्की पड़ी रही है। गुड यार चाचा गुड। कोई दिक्कत नहीं चाचा सही है भाई। यहाँ से कुछ दिखना ही बंद हो गया बिल्कुल। ऐसा लग रहा है बादल ही बादल, कुछ नहीं दिख रहा इधर साइड का तो कुछ भी, बिल्कुल कुछ कुछ नहीं दिख रहा। रुक रुक के चलते हुए हालत खराब होते हुए ये देखो इनका इनका जोश देखो। पाकिस्तान का कार्ड दिया दम बोले भाई। हम लोग यहाँ पे रुके, देखो कितना अच्छा पॉइंट है ये। पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी जो दिख रहा हो ऐसा लग रहा है बिल्कुल। एक ये देखो हमारी कन्याकुमारी बाल सही करती हुई। यहाँ पे मतलब बहुत लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। ये स्टॉप है बीच में यार, उतार देते हैं ना। नहीं नहीं ये पहने रहो, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, निकलने वाली ऊपर से बारिश और तेज हो रही है। हाँ और ये हमारी गोरी दीदी इतनी परेशान है, मतलब बेचारी थक गई फिर भी ऐसे हिम्मत नहीं आ रही है, बिना बिना डंडे के ऐसे ही चलती जा रही हैं। इतनी परेशान है ये। ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं सब। देखो गोरी सबसे ज्यादा हमारी गोरी दीदी, गोरी बहुत परेशान थी, गोरी बहुत मेहनत कर रही है। गोरी दीदी कितने अच्छे से चल के आ रही है। ये वो भद्दा है, वो भगवान ने श्रद्धा को। गोरी दीदी देखो इनका डांस का कितना शौक है, यहाँ पे खड़े होके करके दिखाओ जो कर रही थी डांस करो। मेहनत है आपकी। अच्छा पहले बताओ कैसा लगा ऊपर आके, कैसा रहा आपका सफर, कैसा रहा कि मजा आया? आया भी नहीं है, आज बाहर निकलने को तरस रही है। आज निकलने को तरस रही है, इतनी थक गई तुम आज। और सच में थक गई यार गोरी ने, आज बहुत हिम्मत करी है हमारी गोरू ने। ऊपर से बारिश इतनी पड़ रही है, आप देखो ना कितनी बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश है। कहाँ है वो पता है? यहाँ बारिश में दो घोड़े। हम आ गए हैं केदारनाथ मंदिर से बस 4 किलोमीटर पीछे और बहुत जोर से हो रही है बारिश। बस हम 4 लोग ही यहाँ पहुँचे हैं। सबसे तेज चल रही है हमारी गोरी दीदी, है ना गोरी दीदी? देखो फिर से कितना फोग हो गया है चारों तरफ और शाम के बज रहे हैं अभी 5। लगता है कि बस 1-1.5 घंटे में और हम लोग पहुंच जाएंगे 6 से 6:30 बजे। यहाँ रुके हम लोग, गोरी दीदी को भूख लगी थी और मैगी खाने के लिए, मैगी अंकल बना रहे हैं। गोरी बैठी है प्रैक्टिस कर रही है खाने की। प्रैक्टिस हाँ सुबह से गोरी ने जो है क्या कहते हैं बहुत मेहनत की है। गोरी दीदी को मैगी खिलाएंगे एंड फिर आगे चलते हैं हम लोग और पहुँचते हैं मंदिर टाइम से पहले। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अभी केदारनाथ बाबा के मंदिर से बस 1 किलोमीटर पीछे है और हमने यहीं पर आकर मतलब यहाँ कैंप वगैरह का सिस्टम है तो कैंप वगैरह लिया है और अभी बस घर वाले पीछे रुके थे तो वो आएंगे तो हम कैंप पर रुकेंगे और फिर मतलब थोड़ा हाथ मुँह धोएंगे। सुबह से काफ़ी टाइम हो गया, 8:30 बज चुके हैं हम लोग। 8:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं यार, 8:30 बज गए हम लोग। बहुत ज़्यादा थक गया बहुत ज़्यादा और सुबह जल्दी उठ के नहाना है, नहाने के बाद फिर बाबा के दर्शन के लिए निकलना है सुबह ही। यहाँ से बस ज़्यादा दूर नहीं, 800 मीटर या फिर 1 किलोमीटर है बस। ठंड बहुत है, ठंड बहुत ज़्यादा है बहुत। भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग हैं केदारनाथ मंदिर पे। हाँ सुबह सोचा था जल्दी जाएंगे, जल्दी दर्शन करेंगे
लेकिन यहाँ पे अभी लाइन लगनी स्टार्ट हो गई है और काफ़ी ठंड है। सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना पड़ा हमें, प्रसाद लिया अभी हमने, बाकी प्रसाद चढ़ाएंगे बाबू को। दिखाते हैं आपको भीड़ देखो कितनी है, सुबह सुबह इतना जल्दी करने के बाद भी इतनी लंबी लाइन लग गई मंदिर से, दिखाते हैं। देखो भाई सब लोग आगे लाइन में लगे हैं और कितनी लंबी लाइन है आगे तक, बहुत लंबी लाइन है भाई। इतना जल्दी उठने के बाद भी, सुबह के 2 बजे उठे थे। दोस्तों हम लोग फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी सी लाइन हो रहा है, फिर बाबा के दर्शन करेंगे। भाई ठंड बहुत है लेकिन बहुत मन लग रहा है, मंदिर देख के बहुत मजा आ रहा है। आरती चल रही है अभी, सुबह की आरती चल रही है मंदिर में। और बस भाई हमारे दर्शन हो चुके हैं और गोरी दीदी बहुत ज्यादा परेशान है, इनको ठंड लग रही है बहुत। बस अब हम शूज पहनने जा रहे हैं, मंदिर से घूम के आ ही रहे हैं बस अभी। 6:30 बज चुके हैं, अब यहाँ थोड़े बहुत फोटो वोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद चलते हैं नीचे की साइड। देखो मंदिर का दूसरा गेट है और लाइन लगी हुई अभी बहुत लंबी। दोस्तों हम लोगों ने दर्शन करने के बाद इधर बैठ के चाय समोसा खाया एकदम गरम गरम। भाई चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है, अब चल रहे हैं अपने रूम की तरफ, वहां से उठाएंगे सामान और चलेंगे फिर से नीचे, फिर से मेहनत करेंगे नीचे उतरने में। सब लोग आ गए, आ रहे हैं। देखो दोस्तों आगे जो रास्ता है ना वो वाला, ये वाला, ये पहले 2013 में जब आपदा आई थी पहले इसी रास्ते से लोग बाग चढ़ाई किया करते थे, लेकिन जब से आपदा आई थी ना तब से ये बंद हो गया। ये वाला ट्रैक वो सिर्फ 16.5 किलोमीटर का था और अभी जो है वो है समथिंग 22 से 23 किलोमीटर है यार, बहुत है भाई। हम लोग अभी चाहिए खाने के लिए उतर रहे ऊपर से, 1 घंटे में हम लोगों ने 4 किलोमीटर कवर कर लिया है, जिस हिसाब से हम लोग 4 बजे तक नीचे पहुंच जाएंगे। बाकी गोरी दीदी बैठी हैं, मैगी का वेट कर रही हैं अपनी। किस चीज का वेट कर रही हो आप? मैगी। मैगी सही है, जल्दी मौसी खड़ी हो गई, बैठे हैं लोग अब तो दिख गए, अब दिख गए, अब दिख गए सब चाय के वेट में बैठे। चाय पीकर, चाय पीकर फिर से अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। अभी गोरीकुंड और 5.5 घंटे में हम लोगों ने यात्रा वहाँ से उतरना शुरू किया था, लेकिन अभी जाके हम लोग पहुँचे हैं। अभी मम्मी पापा आ रहे हैं, वो हमसे करीब करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी बहुत ज़्यादा थक गए। लेकिन हाँ टाइम के हिसाब से मतलब बहुत जल्दी उतर आए हम लोग, जिस हिसाब से हम लोग चढ़े थे हम लोग 13 घंटे वहाँ पर पहुँचे थे पैदल चल के, लेकिन अभी सिर्फ 5 घंटे में हमने वापसी कर दी है। वो आराम आराम से आ रहे हैं क्योंकि जाते जाते साथ हैं और बच्चे भी उन्हीं के साथ हैं। भाई हम लोग आ चुके हैं प्रयाग है ना, और गोरी दीदी बहुत ज़्यादा थक गई थी और ये मेरी पीछे कमर तोड़ती हुई आई हैं टैक्सी से उतर के, कहीं 500-600 मीटर तक। बाकी घरवाले भी आई गए, यहाँ का वेदर मस्त है, मतलब पैदल चलो तो ठीक है गर्मी लगती है, बाकी तो ठंड है ही है, जैकेट बार बार निकालनी और पहननी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा थक गए, आज रेस्ट करेंगे और उसके बाद कल निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए।